एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जीएस सरीन साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका एक बार फिर से। केशव गर्ग जी हमारे साथ हैं, सीए हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरदीप सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, सीए हैं, वो भी आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। संजय राय साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका राय साहब। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राय साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे, चर्चा इस पर भी ज्यादा हो रही थी कि राहतें कितनी मिलेंगी, उम्मीदें क्या पूरी होंगी और चुनाव की झलक मिलेगी क्या, तो क्या इस बजट पर नजर आई चुनाव की झलक? चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें नजर आई हैं या ऐसा कुछ भी नहीं रहा, सीधा साधा बजट था? कुछ नहीं था, सामान्य बजट, जिस तरह का पिछले साल था उस तरह का बजट है। बजट अब इसी तरीके के आएंगे जी, बीच में टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, कब बढ़ाए जाएंगे दुनिया को नहीं पता चलेगा। आज इन्होंने चमड़े के दाम और सेल फोन के चार्जर्स और सब चीजें, आप याद कीजिए, दो महीना पहले सब पर GST बढ़ाई गई थी जी, सब चीज पर टैक्स बढ़ाए गए थे और आज उन्होंने कम कर दिए, तो सरकार की आ गई हमने कम कर दिए। लोगों को एक मनभावन बजट देने की, पेश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस साल चुनाव है पांच राज्यों में, उन पांच राज्यों में कोई भी चीज दबाव न डाला जाए। आज ये कर देते कि हमारे जो टैक्स की जो स्लैब है, स्लैब में कुछ डिस्काउंटेड कर देते, कुछ बढ़ा देते, तो आज एक फर्क पड़ता कि हाँ बजट कितना बेहतरीन था। रक्षा सौदों के लिए इन्होंने जो काम किया कि उनमें प्राइवेटाइजेशन। संजय जी मैं आता हूँ आपके पास। जी सरीन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, कल जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके बाद बाजार के कुछ सेक्टर में हमने तेजी देखी थी, लेकिन आज बजट आ चुका है, अब बाजार पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? ये बाजार, अगर आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट बजट के बाद गिरा है, करीबन 900 पॉइंट से भी ज्यादा गिरा है, क्योंकि जब जैसे जैसे एनालिसिस होता जाएगा बजट का तो बाजार पे असर नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बजट स्पीच होती है और जो बजट होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। बजट स्पीच में आपको मेन मुद्दे बताए जाते हैं, बट जब उसको एनालाइज किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो तब वो उसको बाजार कैसे लेता है वो देखने वाली चीज़ है। और बजट के बाद बाजार गिरा है, तो इसका मतलब बाजार को लगता है कि इसमें बजट में कुछ जो वो बाजार चाहता था, जो मार्केट चाहता था, जो शेयर बाजार समझता था, वो चीज़ नहीं आई, इसी वजह से मार्केट गिरी है। बट आने वाले टाइम, क्योंकि ये जो बजट है ये 25 साल की आगे की बात कर रहे हैं जी, तो 25 साल आगे, तो जब 25 साल की के आगे की बात कर रहा है तो फिर वो सोचने वाली बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक दिन में नहीं कर सकते। MSME में जो अभी इन्होंने इन्फ्यूज़ करने की बात की है फंड्स की, वो भी अगले 5 साल में की है, तो सारी चीज़ें जो मुद्दे हैं ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में होने वाली हैं, तो उसका इम्पैक्ट एकदम नहीं आने वाला। और ये हम पैनल में बिल्कुल सहमत है कि बजट का एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है, कि जो पीछे बजट आए उसमें क्या हुआ, उसको कितना इम्प्लीमेंट हुआ, अब इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ संजय जी से कि वो पॉलिटिकल थोड़ा बहुत तो ये सोच विचार रखा ही जाता है, तो यही मेरा इसमें कहने का जी। चलिए अगला सवाल मेरा केशव गर्ग जी से होगा। केशव गर्ग जी, अब कहा यह जा रहा है कि बजट का इम्पैक्ट तो तब आएगा जब भारत 100 साल का होगा, लेकिन टैक्स पेयर को बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी नहीं हो पाई? देखिए मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण लेके चलता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ये कहते हैं कि 25 साल के बाद ये मेरा एक कमाऊ पुत्र बनेगा जी। अब आप आज जो बात कर रहे हैं, आप अगले 25 साल की बात कर रहे हैं जहाँ पर इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और आज के दिन जो इन्फ्लेशन से या जो बाकी आपकी ज़रूरतें पूरे नहीं हो रही हैं, आप उनको टैकल नहीं कर रहे हैं, आप 25 साल आगे का सपना दिखा रहे हैं। आप जहाँ तक टैक्स पेयर की बात करें, मेरी जेब में कुछ नहीं बचा एक्स्ट्रा। अगर आप पीछे पेट्रोलियम प्राइसेस को देखते हैं, आप पेट्रोलियम को GST में क्यों नहीं लेकर के आते हैं, आप क्यों नहीं बजट के अंदर उस चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं, आप उन चीज़ों को छेड़ते ही नहीं। आप हाउसिंग के लिए, जैसे अभी सरीन साहब ने बोला कि आपको एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए, आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लास्ट टाइम इन्होंने एक डिडक्शन अनाउंस की थी, उसको भी ये इन्हांस करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि साहब आप आगे 25 साल का रास्ता देखिए, आज चाहे आप चाहे खड्डे में खड़े हैं, कोई बात नहीं, हम उस खड्डे से आपको धीरे धीरे निकाल लेंगे। मैं इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ एज फार एज टैक्स पेयर इज कंसर्न, क्योंकि आप देखिए, एक सैलरीड आदमी जिसका 30% आपका टैक्स में चला जाता है, और सिर्फ 30% नहीं, वो कुछ भी खरीदता है उसपे 18% 12% या 28% GST भी वो देता है, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 50 से 60% का वो टैक्स दे रहा है,
उसके पास वो, उसके बाद उसको अपना घर भी चलाना है, उसको अपने जो भी खर्चे करने, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो भी उसको प्राइवेटाइज करना पड़ता है। आप कर क्या रहे हैं? आपने एक 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 इकोनॉमिक सिस्टम को एक मजाक बना दिया है। और मुझे इस बात पे बड़ी इस बार बहुत हैरानी हुई है कि एक बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं दिख रही थी कि वो उसको प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे थे। आप केशव जी और गुरदीप सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था को मजाक बना दिया? एक तो इस पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। और ये जो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है, इसके आने से एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया, तो इसके आने से मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारा जो लेन देन का सिलसिला है वो कितना बदलेगा, कितना प्रभावित होगा? देखिए, जहां तक डिजिटल करेंसी का सवाल है, ये अगर आज की डेट से पहले की हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी अगर हम इसको बोले जी, तो इसमें तो यही नहीं समझ आ रही थी कि ये करेंसी है या एसेट है या किसी और कोई कमोडिटी है, क्या है जी। ठीक है, इसके ऊपर अभी तक कोई लॉ नहीं आया। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी, जो आज के बजट में उन्होंने प्रावधान कर दिया है जी। अब ये हाईटेक क्रिप्टो करेंसी, हम इसको इसलिए कहते हैं कि एनकोडेड होती है और क्रिप्टो इसके कोड्स होते हैं, डिजिटल करेंसी बोल देते हैं आसान शब्दों में। लेकिन इसका अब जैसे मैं किसी को रुपया दे रहा हूं तो वो गवर्नमेंट बाई आरबीआई के उसमें प्रॉमिस होता है कि यस आई एम इस डू इन कैश होगा बैंक में जाके, या चेक देते हैं तो उसपे भी बेरर लिखा होता है कि यस आई एम, वो एक मोड करेंसी का चलता है। इसको अब ये तो क्लियर हो गया कि ये करेंसी नहीं है, ये एसेट है। लेकिन अभी इसकी सर्कुलेशन कैसी है, इसको रेगुलेशंस कैसे है, इसको सेल परचेज कैसे करनी है, ये अभी प्रोफेशनल्स को भी समझ आनी थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आम जनता के लिए तो थोड़ा दिक्कत है ही। जहां तक रही दूसरी बात की इकोनॉमिक ग्रोथ की या इस बजट की, तो मैं केशव जी से सहमत हूं कि भाई वो जो 25 साल की बाद की बात तो ठीक है, लेकिन अभी हम अगर पिछले 5 या 10 साल के बाद आज को देखें तो वो कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि 5 साल पहले भी यही बात कही गई थी, ट्रिलियन का जो बजट रखा गया था या प्रोविजंस किए गए थे या सोचा गया था, क्या हम उस चीज़ को पा सके हैं? या जो हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी थी, वो चीज़ें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, अगर हम पिछले सालों से हर साल के बजट का, जैसे कि हम सभी पैनल में कह रहे हैं कि हर साल के बजट का भी एनालिसिस अगले बजट में हो और प्री बजट उसकी रिपोर्ट कार्ड भी आए कि हमने ये चीज़ें रखी थी और ये चीज़ें हुई है, तब हमारे को चीजें समझ आएंगी कि क्या एक्चुअल में हुआ, नहीं तो फिर लोक लुभावन है, सपने हैं। ठीक है।